Assalamualaikum dear student. I hope you are all fine in the pandemic conditions of the COVID-19. So in this situation, we started the online lectures. Today our first lecture of our class 3 subject study maths and topics is Arabic and Romans number. So let's start our topics. What is Arabic number? Arabic number क्या है? ठीक है, Arabic number are the numbers that are widely used all over the world, such as 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are called Arabic number. Arabic number ये वो number हैं जो all over the world use होते हैं, तमाम organization system में. All over the world mean तमाम organization, mean to say worldwide system में हम इनको use करते हैं. ठीक है, because they are easy to handle, easy to understand, हम इन्हें आसानी से समझ सकते हैं, हम इन्हें आसानी से handle कर सकते हैं, हम इन्हें आसानी से लिख सकते हैं. So when we talk about Arabic number, we talk about which people introduce Arabic numbers. ठीक है, so they are first introduced by Arabic peoples. Arabic number को Arabic peoples ने introduce करवाया. So Arabic number ये वो number है जो world wide use होते हैं, all over the world, in every country, because they are easily to handle, easy to write, easily to understand. So these are called the Arabic number 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are called Arabic number. So next we talk about what are Romans number. Romans number are widely used in the world, but less as compared to Arabic number, mostly in the form of capital I represent 1, capital 5 represent, capital V represent 5, capital X represent 10. Romans number be widely used hote hain all over the world, but difference kya hai Arabic number ki nisbat? डिफरेंस ये यहाँ पर आता है कि ये आर लेस कम्पेयर एज कम्पेयर टू अरेबिक्स नंबर. मीन टू से जो रोमन्स नंबर है वो हम लेस यूज़ करते हैं, इनको लेस इम्पोर्टेंस देते हैं एज कम्पेयर टू अरेबिक्स नंबर. अरेबिक्स नंबर की नस्बत से रोमन्स नंबर जो हैं वो कम यूज़ होते हैं. क्यों कम यूज़ होते हैं? इनका डिफरेंस, इनकी बहुत सी काजेज़ हैं, बहुत सी डिफरेंसेस हैं. बिकॉज दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल, इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल है, इनको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है, इनको राइट फॉर्म में लिखना बहुत मुश्किल है. ठीक है, राइट फॉर्म देना इनको बहुत मुश्किल है. डेट्स वाई वी यूज़ रोमन नंबर लेस एज कम्पेयर टू अरेबिक्स नंबर. सो व्हेन वी टॉक अबाउट रोमन्स नंबर, हम बात करते हैं कि रोमन्स नंबर की, तो व्हेन डेट्स वी टॉक अबाउट विच पीपल इंट्रोड्यूस रोमन्स नंबर, फिर हम बात करते हैं कि कौन से पीपल्स ने ये रोमन्स नंबर को इंट्रोड्यूस करवाया. सो दे आर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन बाय रोमन्स पीपल, कहाँ पे? यूरोप में इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया. ठीक है, तो नाउ वी टॉक अबाउट बेसिक्स फॉर्म. बेसिक्स फॉर्म इनकी तीन नंबर की गिर घूमती है, ठीक है, रोमन्स नंबर की. लेकिन हम लिखते हैं इनको फॉर्म में, किस तरह लिखते हैं रोमन्स नंबर को. एक अरेबिक नंबर हमें दिया जाए तो अगर हमें कहा जाए कि ऐसे रोमन्स नंबर में लिखें, ठीक है, तो हम किस तरह इसको फॉर्म देंगे. सो पहले है हमारे पास वन. वन इट इज़ अ अरेबिक नंबर. इन रोमन्स फॉर्म वी राइट कैपिटल आई. सो टू इज़ अ अरेबिक नंबर. सो इन रोमन्स फॉर्म में हम इसको कैपिटल आई प्लस कैपिटल आई इज इक्वल टू टू. तो इसको हम अरेबिक, ये दैट इज़ अरेबिक नंबर. ठीक है, ये टू अरेबिक नंबर है, ये वाला. सो इसको हम रोमन्स फॉर्म में इस फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कैपिटल आई प्लस कैपिटल आई इज इक्वल टू टू. रोमन्स नंबर और अरेबिक नंबर में फ़र्क ये है कि अरेबिक नंबर ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होते हैं, तमाम दुनिया में. ठीक है, उनकी फॉर्म क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5. लेकिन जब हम बात करते हैं रोमन्स नंबर की, तो इसको हम अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में लिखते हैं, मीटर से आई कैपिटल आई कैपिटल वी कैपिटल एक्स. ठीक है, तो दीज आर द रोमन्स नंबर. ठीक है, ये आर वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल, डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट. बट जो अरेबिक नंबर है वो हम इजीली हैंडल कर सकते हैं, इजीली टू ऑपरेट कर सकते हैं.
उसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं किसकी नस्बत से, रोमन से। सो अब हम थ्री की फॉर्म पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अब हम थ्री की फॉर्म पढ़ते हैं कि थ्री को रोमन फॉर्म में किस तरह लिखते हैं। इसको थ्री को कैपिटल आई प्लस कैपिटल आई प्लस कैपिटल आई इज इक्वल टू थ्री। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल था। अब हम जाते हैं फोर की तरह। फोर फोर जो है यहाँ पे से एक प्रिंसिपल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वो प्रिंसिपल ये है कि फोर को हमने रोमन फॉर्म में कैपिटल और कैपिटल वी की फॉर्म में लिखा। अब यहाँ पे एक प्रिंसिपल है कि ये फाइव, ये कैपिटल वी ये फाइव को इंडिकेट कर रहा है और ये वन कैपिटल आई वन को इंडिकेट कर रहा है। तो ये फोर इन इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे अब मैंने प्रिंसिपल लिखा है कि जब व्हेन स्मॉलर नंबर कम फर्स्ट वी माइनस इट मीन सब्सट्रैक्ट इट। ठीक है, अब यहाँ पे स्मॉलर नंबर कौन सा है, आई है, और लार्जर नंबर कौन सा है, आई रिप्रेजेंट वन एंड कैपिटल वी रिप्रेजेंट फाइव। ठीक है, तो स्मॉलर नंबर कम फर्स्ट एज कम्पेयर टू वी फाइव नंबर। ठीक है, तो अब हम इसको माइनस करेंगे, मीन टू से फाइव में से वन को माइनस करेंगे तो नंबर कौन सा आएगा, फोर। ठीक है, अब मैंने एग्जांपल भी यहाँ पे आपको दी है कि फोर की एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ से हमारा प्रिंसिपल स्टार्ट होता है कि फोर में अब हमने रोमन नंबर फॉर्म ये है। ठीक है, तो अब हमने सब्सट्रैक्ट किसको किया है, वन को आई को, मीन टू से आई कैपिटल रिप्रेजेंट वन एंड कैपिटल वी रिप्रेजेंट फाइव। सो फाइव को हमने वन से माइनस किया एंड गेट फोर नंबर। सो फाइव को अब हमने पिछली स्लाइड पे लिखा था कि ये बेसिक्स फॉर्म वन फॉर कैपिटल आई फाइव फॉर कैपिटल वी एंड टेन फॉर एक्स कैपिटल एक्स फॉर टेन। सो फाइव की तो फॉर्म वो ही है। अब हम बात करते हैं सिक्स की। अब यहाँ पे हमारे पास सिक्स दैट इज़ अरेबिक नंबर। ठीक है, ये अरेबिक नंबर है। तो अब हमने इसको रोमन फॉर्म में कैपिटल वी और कैपिटल आई के फॉर्म में लिखा है। तो अब हम आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास लार्जर नंबर कम फर्स्ट दैट इज़ फाइव कम फर्स्ट एज कम्पेयर टू दिस आई। ठीक है, आई ए मीन टू सी स्मॉलर नंबर इंडिकेट वन। सो जब हमारे पास लार्जर नंबर अगर हमारे पास पहले आ जाए एज कम्पेयर टू स्मॉलर नंबर, सो व्हेन लार्जर नंबर कम फर्स्ट, ठीक है, सच इन सिक्स सिक्स की यहाँ पे एक सेकेंड रूल स्टार्ट हो जाता है कि जब हमारे पास लार्जर नंबर पहले आएगा एज कम्पेयर टू स्मॉलर नंबर, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हमने क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, जब हमारे पास वी कम फर्स्ट, ठीक है, व्हेन लार्जर नंबर कम फर्स्ट सच इन सिक्स नंबर हैविंग रोमन नंबर इज कैपिटल वी कैपिटल आई मीन टू से फाइव एंड प्लस वन। तो वी कम फर्स्ट दैट इज लार्जर नंबर इंडिकेटेड फाइव, तो वी एड इट इन टू वन एंड गेट सिक्स नंबर। आपने बस याद क्या करना है, याद क्या रखना है कि जब हमारे पास स्मॉलर नंबर पहले आएगा जैसे कि फोर में आया है और फाइव ये एज कम्पेयर टू लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, तो अब हमने इसको माइनस करना है। ठीक है, और अगर हमारे पास लार्जर नंबर पहले आएगा एज कम्पेयर टू स्मॉलर नंबर, तो फिर हमने क्या करना है, इसको ऐड करना है। ठीक है, इसको एडिशन करना है। सिमिलरली अगर आप सेवन पर देखें तो सेवन में लार्जर नंबर कम फर्स्ट एज कम्पेयर टू स्मॉलर नंबर, सो अब हमने पाँच में से ये इंडिकेट कैपिटल वी इंडिकेट फाइव, फाइव प्लस वन इज इक्वल टू सेवन। सिमिलरली एट, इन एट एट में क्या है कि लार्जर नंबर कम फर्स्ट एज कम्पेयर टू स्मॉलर नंबर, सो कैपिटल वी फाइव प्लस वन एंड प्लस वन इज इक्वल टू एट। सिमिलरली इन नाइन, नाइन में अब आप देखिए वन मीन टू सी कैपिटल आई इंडिकेटेड वन एंड एक्स। पिछली स्लाइड में मैंने आपको क्या कहा था कि तीन बेसिस फॉर्म हैं, तीन बेसिस नंबर हैं, और ये वन ये फाइव एंड डैट इज एक्स। ठीक है, एक्स रिप्रेजेंट टेन। सो हियर द स्मॉलर नंबर कम फर्स्ट एज कम्पेयर टू लार्जेस्ट नंबर, सो वी सब्सट्रैक्ट इट वी माइनस इट। सो हम अगर हम टेन में से वन को माइनस करें तो हमारे पास नाइन आता है। ठीक है, अब हमने वही प्रिंसिपल दोबारा पढ़ा है कि जब स्मॉलर नंबर कम फर्स्ट एज कम्पेयर टू लार्जेस्ट नंबर वी सब्सट्रैक्ट इट। ठीक है, ठीक है, तो अब हमने वही प्रिंसिपल अपनाया है और 10 को हमने किस तरह फॉर्म में लिखा है, एक्स फॉर्म में, उसी डायरेक्ट फॉर्म में हमने लिख दिया है, जो कि ये डेट 10 एंड 5 एंड 1 दीज आर द बेसिक्स नंबर ऑफ रोमन काउंटिंग। ठीक है, रोमन काउंटिंग की ये बेसिक फॉर्म है।
जिनको हम इन्हीं बेसिस पे हम इन सब को सब्सट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं और रोमन्स फॉर्म इनको देते हैं। ठीक है, अब हमने, मैं आपको एक समरी बताती हूँ कि अरेबिक्स नंबर और रोमन्स नंबर, दीज आर बोथ नंबर यूज फॉर काउंटिंग, गिनती के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंस क्या है कि जो अरेबिक्स नंबर है वो वर्ल्ड वाइड ज़्यादा इम्पोर्टेंस के तौर पर यूज़ होते हैं, और रोमन्स नंबर भी वर्ल्ड वाइड यूज़ होते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तमाम दुनिया में यूज़ होते हैं। लेकिन इनको हैंडल करना, इनको अंडरस्टैंड करना, इनको रिटन फॉर्म देना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि जरा अब आपको मैं अगर 50 नंबर दे दूँ, 50, तो इसको अगर आप रोमन्स फॉर्म में लिखें तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, सो लेकिन अगर आपको मैं अरेबिक फॉर्म में देखें तो बहुत ईजी है इसको लिखना। ठीक है, तो ये बेसिक्स डिफरेंस है, ये बेसिक्स आपका क्या नाम है, समरी है कि अरेबिक नंबर इजीली टू राइट, इजीली टू अंडरस्टैंड, इजीली टू हैंडल, बट रोमन्स नंबर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफ़िकल्ट टू हैंडल, डिफ़िकल्ट टू राइट। सो बच्चों आपने ये सारा पढ़ना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, इसको याद करना है, और अब आपको यहाँ पे होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि राइट्स रोमन्स नंबर फॉर्म 11 टू 20, आपने 11 से लेकर 20 तक आपने रोमन्स नंबर लिखने हैं। ठीक है, इनको समझना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। सो डैट्स ऑल अबाउट माई टॉपिक्स, थैंक फॉर योर अटेंशन एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, मे अल्लाह ब्लेस यू हैव इन दिस कंडीशन, अल्लाह हाफिज़।